हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक के बारे में, और इसका हम देखेंगे चैप्टर आज भौतिक विज्ञान। और इसमें हम कवर करेंगे जो भी आज के विषय होंगे, वो सभी विषय मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है आपका पृष्ठ तनाव, सैन्यता, सरल आवर्त गति एवं ध्वनि तरंग और ऊष्मा। ये सभी विषय आज हम इस बुक में से कवर करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि वीडियो देखने के लिए एक छोटी सी कंडीशन मैंने आपके ऊपर अप्लाई कर रखी है शुरुआत से, और ये कंडीशंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाली है। लेकिन जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये बुक है तो वीडियो देखते समय अपने पास इस बुक को जरूर रखें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आपको दिखाने जाऊंगा, एक एक पेज पर जो जो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, उन सभी पॉइंट को आपने अपनी बुक में भी हाईलाइट करना है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पृष्ठ तनाव, इसको बोलते हैं सहसंजक बल। देखिए, सहसंजक बल के बारे में पहले हमको जानना बहुत जरूरी है, पृष्ठ तनाव से पहले। ठीक है, देखो, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं सहसंजक बल, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं आसंजक बल। अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है टी इक्वल में एफ अपॉन में एल। एल मतलब लंबाई, एफ मतलब बल, और टी मतलब आपका ये पृष्ठ तनाव। अब देखिए, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। पृष्ठ हमेशा जब तनाव की स्थिति में रहेगा तो क्या होगा? वो कहलाएगा पृष्ठ तनाव। जैसे इसे ही हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। अब देखिए, यहाँ पे डेफिनेशंस बहुत रेयर चांस है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, तो यह है न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर, यह है आपका एसआई मात्रक। तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कोशिकत्व, मतलब केस नली, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम और एक समान होती है, इसको हम बोलते हैं केस नली। देखिए, केस नली में द्रव क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को बोलते हैं हम लोग केशिकत्व। ये क्वेश्चंस आपने शायद एग्जाम में देखा होगा, एक दो बार क्वेश्चंस ये पूछा भी गया है, काफी बार, एक दो बार के काफी बार पूछा गया है। जैसे कि आपका ब्लॉटिंग पेपर, स्याही का, स्याही को क्या करती है? सीकरी क्या करती है? सोख लेती है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छेद जो होते हैं वो स्याही को पी लेते हैं। तो छेद जो होते हैं वो केस नली की तरह ही कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती में जब लालटेन होती है या लैंप होता है तो वो जलते रहता है कंटिन्यू। जो तेल होता है उसकी बत्ती तक कैसे पहुंचता है, उसकी ज्वाला तक कैसे पहुंचता है? तो ये होता है आपका केशिकत्व के कारण। ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, तो पानी हम डालते हैं कहाँ पर? नीचे, जहाँ पे मिट्टी होती है। लेकिन जो टॉप में, जो ऊपर सबसे टॉप में एक पत्ती लगी है, उस तक पानी कैसे पहुंचता है? उस तक पानी पहुंचता है केशिकत्व के कारण। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो ये याद रखना। अब कृत्रिम उपग्रह के अंदर क्या होता है कि यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है वो पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन के बुलबुले,
बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं, उसका रीजन क्या होता है। उसका रीजन ये होता है कि साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, हमेशा कम हो जाता है। तो इसलिए साबुन के घोल के बुलबुले हमेशा बनते हैं बड़े बड़े। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में अगर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाता है। और कम होने से क्या होगा, लार्वा पानी में डूबकर ही मर जाते हैं। तो पानी पर मच्छरों के लार्वा क्यों मर जाते हैं जब उस पर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है, क्वेश्चन मार्क। पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। याद रखना क्वेश्चंस ऐसे ही बनने हैं, सेम आपको इसी तरह से आपको बुक को स्टडी करनी है, इसी तरह से एक एक पॉइंट के साथ में अपना क्या क्वेश्चंस बन सकता है ये स्किल्स आपको डेवलप करनी है। आगे जो पॉइंट है वो है हमारा सैन्यता। सैन्यता क्या होती है, एक होता है आपका स्यान बल, इसको हम बोलते हैं किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच में उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को कहते हैं स्यान बल। और सैन्यता क्या होती है आपका, तो ये होती है आपका तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, उसको बोलते हैं सैन्यता। और सैन्यता केवल द्रवों एवं गैसों का ही गुण होती है। सैन्यता किसका गुण होती है, द्रव का और गैस का। बर्नौली का प्रमेय, तो बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित जो आपकी बैटरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो ये दर किससे ज्ञात करी जाती है, तो ये करी जाती है आपकी वेंट्यूरी मीटर से। अब हम बात करते हैं प्रत्यस्थता। तो ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पहली जैसी अवस्था में वापस आ जाती है। अब इसकी सीमा क्या होती है, इलास्टिक लिमिट। विरूपण बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यस्थता का वह गुण बना रहता है, तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यस्थता का गुण समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं हुक का नियम। देखिए हुक का नियम क्या होता है कि प्रत्यस्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति जो होती है उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कुछ जो पॉइंट है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो तो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको पढ़ के अभी सुना रहा हूँ तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल पढ़ लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए, खुद भी पढ़ना है इस वीडियो को, एक बार और वॉच करना। अब देखिए आवर्त गति क्या होती है, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद में बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती रहती है, रिपीट करती रहती है, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं आवर्त गति। एक होता है आपका दोलन गति। तो दोलन गति क्या होती है कि किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा कांपनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, कांपनिक गति। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने के समय को कहते हैं आवर्तकाल। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है, 1 सेकंड में जितनी बार वो कंपन करेगी उसे हम बोलते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है वो होता है हर्टेज। याद रखना SI मात्रक क्या होता है इसका, आवृत्ति का, ये होता है हर्टेज। अब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति मतलब मीन पोजीशंस के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण
मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो, उसे हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। देखिए गर्मियों में जो लोलक होता है उसकी लंबाई जो होती है बढ़ जाती है, उसका आवर्त काल टी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान देनी है कि गर्मियों में क्या होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसका आवर्त काल टी भी बढ़ जाता है। और चंद्रमा पर अगर ये घड़ी को ले जाया जाए तो उसका आवर्त काल बढ़ेगा या घटेगा? एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या फिर खराब हो जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा। टाइम कोई वैसे माइनस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से कुछ ऑप्शन आपको देगा कि आपको वो कंफ्यूज कर देगा। तो आपका क्या होगा, आवर्त काल वहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितने गुना होता है, 1/6 गुना। जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, गुरुत्वाकर्षण मान, ग्रेविटी मान जो होता है, पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है, क्वेश्चन मार्क ये, तो ये होता है 1/6। तरंगों को दो भागों में बांटा गया, एक है यांत्रिक तरंग, एक है आपका अयांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होती है यांत्रिक तरंग कहलाती है। दो तरह की तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, दो भागों में बांटा गया है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है कि जब तरंग गति की दिशा में, जब तरंग होती है कि स्पीड के डायरेक्शंस के माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश, मतलब उसके पैरेलल समांतर होती है, तो ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का एक एग्जाम्पल है। और जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, याद रखना। और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है फोटोन की। किसकी बनी होती है, फोटोन की। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यह उदासीन होती है, यह अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। और इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने करा था, उसका नाम बताइए, उसका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल के द्वारा इसका प्रतिपादन हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती हैं, उसकी खोजकर्ता क्या होते हैं। तो खोजकर्ता मतलब कि खोज किसने करी, हमको खोजकर्ता के नाम याद रखने हैं। और जैसे गामा किरण की खोज करी बैकुलर ने, एक्स किरण की खोज करी रोंजन ने, पराबैंगनी रिक्टर और आपका दृश्य विकिरण न्यूटन ने, और अवरक्त किरण हॉर्सले ने, लघु रेडियो तरंगे की खोज करी थी हेनरिक ने, और दीर्घ तरंगों की खोज करी थी मार्कोनी ने। तो यही आपको याद करने हैं, बाकी इसका आपको तरंग दैर्ध्य के ये सम्मान आपको याद नहीं करने हैं, केवल आपको तरंग और उनके उनको किसने बनाया। वेव मोशन, वेव मोशन किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं तरंग गति। और निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा, ध्वनि और प्रास्रव्य तरंग क्या होती हैं, ये चुंबकीय नहीं होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी तरंगे चुंबकीय हैं कौन सी नहीं है, तो आपको इसी ध्यान देनी है। अब हम बात करते हैं फिलहाल तरंग दैर्ध्य मतलब वेव लेंथ। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य तरंगे। ठीक है, इतना रखिएगा। और तरंग चाल की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवर्ती मल्टीप्लाई तरंग दैर्ध्य। ध्वनि तरंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे, अभी हमने देखा है इस वीडियो में। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, उनकी अनुभूति हमें अपने कानों के द्वारा हो जाती है और इन्हें हम ध्वनि के नाम से बोलते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे होगी तो हम नहीं सुन पाएंगे, उसको बोलेंगे अपश्रव्य तरंगे। और जो तरंगे हम सुन सकते हैं, जैसे 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम तरंगों को आराम से सुन सकते हैं, इन जैसे कि यहाँ पे ये है, ये और ये दोनों सेम ही हैं। आप इसको पढ़िए, इस लाइन को, पूरे सेंटेंस को पढ़िए और इसको पढ़ना, दोनों सेम ही हैं। अगर नीचे होगी तब नहीं सुन पाएंगे, 20 से नीचे होगी तब हम नहीं सुन पाएंगे वो तरंगों को। अगर 20,000 से ऊपर होगी तब भी हम नहीं सुन पाएंगे, हमारी जो रेंज है सुनने की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में है, याद रखना इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक
परास्रवित तरंगे क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज की ऊपर की तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? तो ये बोलते हैं परास्रवित तरंगे। तो आपको अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, परास्रवित तरंगे कौन कौन सी होती है, कितने हर्ट्ज से कितने तक के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन देखिए, परास्रवित तरंगों को कौन सुन सकता है? परास्रवित तरंगों को कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। वायु की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। जल में होती है 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहे में होती है चाल 5130 मीटर पर सेकंड। तो ये चाल आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, अगर आप स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली जीएस पेपर वन में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है आपका जल में ध्वनि की चाल क्या होती है, जी हाँ 1483। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या होता है? ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या होता है? माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसकी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। प्रतिध्वनि क्या होती है? इको क्या होती है? देखो, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है, तो इस परावर्तित ध्वनि को बोलते हैं प्रतिध्वनि, इको। जब आप ऊंचे से पहाड़ पे चले जाओ और वहां पे चिल्लाओगे तो आपको अपनी ही आवाज वापस सुनाई देगी, तो इसको बोलते हैं इको, मतलब प्रति ध्वनि। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। अगर मैं ये बात आप सुन रहे हैं मेरी, और इसका प्रभाव, इस ध्वनि का प्रभाव आपके कानों के अंदर कब तक रहेगा? 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच में अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, इसे ही बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। मैक संख्या क्या होती है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप, टेम्परेचर एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मा के बारे में, कि ऊष्मा क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कि यह वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा जो होती है उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यूनिट ऑफ हीट्स ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? सॉरी, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो है जूल, और 1 कैलोरी कितने जूल के इक्वल होती है? 4.186, 4.186 जो होती है 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर होती है। ताप, टेम्परेचर, ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है, अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण होती है उसे ही बोलते हैं ताप। ताप मापी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से क्या करते हैं? ताप का मेजरमेंट। सेल्सियस पैमाना क्या होता है? सेल्सियस, सेंटीग्रेड, अभी आपको बताया था मैंने, तो ये शायद मैंने आपको पार्ट वन में बताया था। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो इन सब चीज़ों के लिए आप पार्ट वन देख सकते हैं। बात करते हैं फॉरेन हाइट। फॉरेन हाइट क्या होता है? फॉरेन हाइट होता है एक्चुअली, इसका आविष्कारक जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फॉरेन हाइट, तो उन्हीं के नाम पे फॉरेन हाइट पैमाना पड़ा। तो इसका हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फॉरेन हाइट, एवं भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फॉरेन हाइट। भाप बिंदु 212 और हिमांक होता है 32, दोनों ही चीज़ें आप याद रखना। फॉरेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितने फॉरेनहाइट तक होता है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है। आगे हम बात करते हैं कैल्विन पैमाना। कैल्विन पैमाना होता है कि इसमें हिमांक को 273 केल्विन एवं भाप बिंदु को 373 केल्विन है। और पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। पहले जो था आपका सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहते थे। और आगे जो है आपका पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ठीक है, सेंटीग्रेड पैमाने पर जमता है। अतः इसमें निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल ताप मापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल होता है -115 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 1 ग्राम जल का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है।
अब देखिए चालन विधि क्या होती है कि ठोस में ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपकी चालन विधि। और वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। तो वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, तो ये होता है आपका संवहन विधि। देखिए कुछ चीज़ें मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें अपने ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इतने इतने पॉइंट आपके लिए बहुत हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे सेलेक्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है जीएस पढ़नी चाहिए मुझे, डीपली जीएस पढ़नी है, पीएचडी करनी है मुझे इस फिजिक्स में केमिस्ट्री में, तो आप इस डीपली स्टडी कर सकते हैं कि लाइन को आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिचुएशंस को समझो कि आपको कितना पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेक्शन के बाद में फिर जो पढ़ो सब सही। ठीक है, अभी टारगेट ये है कि सिलेक्शन लेना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और संघनन होता है कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये याद रखना है, और आपको याद रखना है संघनन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल पर किलोग्राम। वाष्पीकरण द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। और रेफ्रिजरेटर होता है कि प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रियॉन भरा रहता है, क्या भरा रहता है इसमें, इसमें भरा होता है द्रव फ्रियॉन जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। वातानुकूलन एयर कंडीशनर क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए। टेम्परेचर इतना होना चाहिए, अपेक्षित आर्द्रता इतनी होनी चाहिए सेकेंड नंबर पे, वायु की गति इतनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वायुमंडल है, फेरबदल होगा, जलवायु है, कभी कैसी तो कभी कैसी होगी। तो फिलहाल देखिए, अब फिलहाल आज के इस वीडियो में देखिए हमारे पास केवल और केवल इतना ही है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, इस वीडियो को एक बार और वॉच करना, अपने पॉइंट जो भी आपने अपने बुक में पॉइंट कर रखे हैं उन सबको आपने जो हाईलाइट कर रखा है, जब आप दोबारा वीडियो देखेंगे उनको बोल बोल के आप पढ़ने का प्रयास करना अच्छे से। ठीक है, और इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिलेंगी इस वीडियो में ढेर सारी वीडियो। ठीक है, कंप्लीट बुक आप देखिए, एंजॉय करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इन सभी वीडियो को, इस वीडियो को आप लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, फेसबुक पे कर दीजिए, ट्विटर पे कर दीजिए, आप जो भी नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप में, उन तक इस वीडियो को पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि आप भी पढ़ें औरों को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। जी हाँ, आप भी पढ़िए औरों को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।